सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तो क्या लग रहा जी, क्या रुझान देखिए भैया? यहाँ टक्कर तो दिखा, मतलब सपा की गठबंधन की अर्जी भाजपा की है और वोटर सबके हैं, यहाँ भीम आर्मी के भी हैं, मतलब ओवैसी के भी हैं, करीब करीब सब जितने भी थे सबको देख लिए। अब एक लौंडा उठा चंद्रशेखर, हम तो भाई हमारा तो पक्का रुझान उसकी तरफ था, चंद्रशेखर की तरफ, चंद्रशेखर की तरफ। पहले चंदन चौहान थे यहाँ से विधायक, हमने शिकलबिंदे किया, कुछ काम नहीं हुआ गांव में, ना कोई काम नहीं हुआ। भाजपा हमारा, भाजपा गांव हमारे तो समझ में कोई काम आया नहीं ना करा। गांव की जो जरूरतें हो उस तरह से काम हुआ होगा आपके साथ? नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। हमारा गांव में सड़क थी कि लोडी, बहुत टाइम हो गया सड़क भी है ना, जब नेता वेता आवेंगे उन्हें खुद पता लग जाएगा कि ये सड़क मतलब टूटी हुई है नहीं टूटी हुई। क्या माहौल लग रहा, कैसे माहौल? तो इंशाल्लाह साइकिल बैठ रहे सब, गठबंधन, इंडिया गठबंधन, साइकिल ही चलेगी धाए नाए। गाँव की जो आने की सड़क है जी नहर तक, सारी सड़क गंदी हो रही, बहुत उसमें हाथ पैर टूट लिए लोगों के, गति किसी गाड़ी पलट जा गया, कुछ हो जा, आज तक क्यों नहीं बनी। क्या लग रहा रुझान, क्या देख रहे? बस गठबंधन का। कौन से गठबंधन का? साइकिल वाले का, पुल वाले का? साइकिल, साइकिल वाले का। शीशे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट पर है, जहाँ पर उपचुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियाँ जो है अब अपनी तैयारी में लगी हुई है। अगर हम यहाँ से प्रत्याशी की बात करें तो भाजपा और आरएलडी गठबंधन से मिथिलेश पाल यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से सपा और कांग्रेस से यहाँ से कादिर राणा की जो पुत्रवधु है सुम्बुल राणा जी, वो यहाँ से प्रत्याशी है, और वहीं दूसरी तरफ आसपा से भी जाहिद हुसैन यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और बसपा से भी यहाँ चुनावी प्रत्याशी मैदान में है। हम यहाँ मीरापुर के संबलहेड़ा गांव में है, जहाँ पर हम ये चाय की टपरी है और यहाँ सभी तरह के लोग मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रुझान रहेंगे, क्या किस तरह के प्रयोग इस विधानसभा पर होंगे, और देखना ये होगा क्या खतौली जैसे प्रयोग होंगे यहाँ आरएलडी की तरफ से, या फिर यहाँ का रुझान अलग ही बनेगा। हमारे साथ यहाँ मौजूद है लोग जी। नमस्कार जी भाई। भाई साहब नमस्कार। क्या नाम बड़े भी अपना? मेरा नाम राशिद सिद्दीकी। अच्छा जी, तो मीरापुर विधानसभा में है गांव आपका ये चुनाव? हाँ, उसी में आ रहे। तो क्या लग रहा जी, क्या रुझान देखिए? भैया यहाँ टक्कर तो दिखा, मतलब सपा की गठबंधन की अर्जी भाजपा की है और वोटर सबके हैं, यहाँ भीम आर्मी के भी हैं, मतलब ओवैसी के भी हैं। बाबा जी क्या नाम? मेरा नाम रमेश है भाई। अच्छा, तो कितनी उम्र होली? उम्र होगी मेरी 80-85 साल की। अच्छा, तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे? बहुत चुनाव भी मेरे सामने हुए साहब। अच्छा, तो अब चुनाव है, उपचुनाव हो रहे हैं आपके यहाँ सीट पे, क्या लग रहा, क्या माहौल बनाओगे? भाई माहौल क्या बनाओगे भाई, जिसे इस काबिल समझेंगे उसे वोट दे देंगे। कौन लगे काबिल फिर भी? भाजपा भी है, बसपा भी है, इधर चंद्रशेखर मेरे से पूछ रहे हो भाई, मायावती को देख ली मैं तो मारूँ, मायावती को देख ली उससे हमें कुछ नहीं मिला, करीब करीब सब जितने भी थे सबको देख लिए। अब एक लौंडा उठा चंद्रशेखर, हम तो भाई हमारा तो पक्का रुझान उसकी तरफ था, चंद्रशेखर की तरफ, चंद्रशेखर की तरफ। अच्छा लगा काम आपको उसका? उसका काम बेहतरीन है, वो हर आदमी के झगड़ा मारता है, हर आदमी का फैसला चाहता है। लेकिन उसे कहा कि भाई नौजवानों को भड़कावे, ये सब करा, आरोप लगावे लोग, उन्हें कई गांव उजड़वा दिए, भड़का के लोगों को कई कई कुत्ते गांव उजड़ गए, वो भड़का दे या जो अपने गोद में ले। अगर ये इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होंगे तो काम खराब हो जाएगा। चलो गांव में अगर ये रुझान बन गया चंद्रशेखर के समर्थक और इधर अपने मुस्लिम भाई समर्थक साथ आ गए, तो फिर बढ़ेगी सीट ली कर सके भाई। देखो उम्मीद है, दुनिया उम्मीद पर कायम है, अगर उसकी किस्मत है हम तो करेंगे तो कोशिश, आगे उसकी मर्जी। लेकिन बसपा भी तो लड़ रही चुनाव, बसपा से भी है, बहन जी को नहीं देख रहे? बहन जी को तो बहुत देख ली, तले से ऊपर देख रखी। जैसे अभी सरकार पावर में है भाजपा की और आरएलडी का गठबंधन है, इन्होंने कैसा काम किया पिछले समय? पहले चंदन चौहान थे यहाँ से विधायक, हमने शिकलबिंदे किया, कुछ काम नहीं हुआ गांव में, ना कोई काम नहीं हुआ।
तो कैसी भाजपा का कैसा काम लग रहा है? भाजपा हमारा तो समझ में कोई काम आया नहीं ना, करा एक काम करा उन्होंने, एक काम करा उन्होंने, टुकड़ा फेंको, बच्चों को दो दो धड़ी नाच लियाओ और खाओ और बस मौज लो। अच्छा, नौकरियाँ वगैरह मिली बच्चों को पिछले 5-10 साल में? जो नौकर थे भी हट गए, मिलना तो रहा बार कनार, जो नौकर लग रहे थे भी हट गए। तो स्थिति जो है सरकार की तरफ से सही नहीं है? नहीं, हमारे लिए तो सही नहीं भाई जी। बड़े मियाँ नमस्कार, क्या नाम जी अपना? कैलाश। अच्छा, क्या लग रहा है जी? बड़े मियाँ तो कह रहे कि साथ आ रहे सब। ये सही कह रहे जी बड़े मियाँ, ये सही कह रहे, बढ़िया कह रहे, काम नहीं हो रहेगा मुँह में, काम होते तो फिर आपको हम इस बात का क्या बोल देते, सही हो रहा काम। तो आप क्या काम करते हो? किसान नहीं करते हो या मजदूरी करते हो जी? तो मजदूरों के लिए कुछ हुआ सरकार में? क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ 10 साल में, क्या है ऐसा कुछ नहीं हुआ। कह रहे महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई तो हर चीज़ की बढ़ गई, जब हर चीज पे 2 लीटर तेल मरुटेगा है, वो जब 2 लीटर जब 200 रुपये का बैठ रहा है। अच्छा जी, और भी सामान में लग रहा था पहले, वो भी ख़त्म, तब क्या रहा बताओ। मजदूरी भी बढ़ी उस हिसाब से? मजदूरी कुछ नहीं बढ़ी अभी। क्या करते बाबा? जब हर चीज पे उनने वो लगा दिया, टैक्स लगा दिया तो बेचने वाले उसके, खरीदने वाले गरीब आदमी है, 300 रुपये की मजदूरी मिल रही है, बच्चों का पेट नहीं भर सकता, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लिखा नहीं सकता। अब जो मुनिमा आदमी है भाई, वे तो अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने, हमने भेज भी दिए सरकारी स्कूल बने में, उनमें खाना खिला के बच्चों को धक्का दे दें और क्या है। तो आपके बच्चों के लिए सरकारी स्कूल, अमीरों के लिए? हमारे के लिए सरकार बढ़िया स्कूल। तो ये फर्क है, भेदभाव है? भेदभाव नहीं है। तो महंगाई से भी लोग परेशान हैं? महंगाई से परेशान है, अपना भी अपना भी हो जाए आदमी। तो बदलाव चाह रहे हैं क्या? हम तो बदलाव चाहूँगे भाई। चलिए ठीक, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम जी अपना? मोहम्मद अयूब। अच्छा अयूब साहब, क्या लग रहा, चुनाव है, कई पार्टियां लड़ रही, लोग आ रहे, इन प्रत्याशी अपनी तैयारी कर रहे चुनाव की, क्या देख रहे, क्या माहौल बनेगा यहाँ गाँव आपकी सीट पर? भाई यहाँ तो भाई वही है कि लोगों का रोजगार सही चल जाए, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेकार होया पड़ा काम, जो नौकरी पे थे वे अपना घर बैठे, कुछ भी नहीं, हिसाब बिल्कुल खराब होया पड़ा। बस कहते हैं कि बहुत बढ़िया हिसाब चल रहा है, ये तो कह रहे बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, ये सब देख लो कितने बैठे हैं यहाँ, जो किसी की जेब में 1,000 रुपये मिल जाए, पहले जेब में पैसे रहने थे लोगों का खुशहाल था, अब बिल्कुल खाली बैठे थे। तो कह रहे हम गरीब आदमी को राशन दे रहे, वो सब दे रहे, ये तो क्या वो काफ़ी रहे वो इस तरह? बस कहना ही काफ़ी है उनका, राशन में क्या हो रहा, 2 गड्डी में 5 गड्डी में कुछ नहीं। तो क्या काम करते हो? बस मेहनत मजदूरी है। तो मजदूरी में कुछ लगा, कुछ फर्क पड़ा हो भाई महंगाई के हिसाब से? कुछ नहीं जी, बिल्कुल वही है मजदूरी, तो महंगाई बढ़ गई, पूरा भी नहीं होता रोज। तो घर का खर्च चल पावे उस तरह से, उधार सुधार लेना जी? बस करे हैं जैसे भी करें, पब्लिक कर ही रही जैसे भी कर रही, नहीं तो खुशहाल नहीं है भैया, दिक्कत है सब। हाँ जी, सबको दिक्कत है, पूरा सब कोई दिक्कत है, तो सब कोई पता। नमस्कार भाई, बात हो जाएगी थोड़ी सी, क्या कर करो ये बताओ, काम वाम कर करो, क्या कर करो ये तो बता दो, ऐसे ही तो बातचीत कर रहे, इसमें क्या है, काम धंधे के बारे में है, कैच कर रहे हैं ना। अच्छा, तो क्या काम कर करो ना बताओ? मेहनत मजदूरी। तो चुनाव है आपके यहाँ, क्या लगा, क्या रुझान बनेगा, क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे अभी, कुछ है नहीं, अभी तय नहीं किया। अच्छा, तो जैसे आप कह रहे हैं मेहनत मजदूरी करो भाई, कुछ लगा भाई, कुछ फ़र्क पड़ा हो मजदूरों की ज़िंदगी में, फ़र्क आया हो कुछ पिछले 10 सालों में, या नहीं ऐसे ही चल रहा? फ़र्क तो आया भाई, अपनी खेती है, अपना काम है, बस वो करें, हम तो किसी से मतलब नहीं। अच्छा, अपनी खेती किसानी में करते हैं? हाँ, तो खेती किसानी में भी लगे हैं कुछ, गन्ने के भाव में या कुछ और फ़ायदा सरकार से? फ़ायदा मुझे कैश ना करो। अच्छा चलिए, है क्या नाम भाई दोस्त?
क्या नाम? नाम सतवीर है। अच्छा सतवीर भाई क्या कर रहे हो? यही मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी। अच्छा तो चुनाव आपके यहाँ किसे देख रहे? चुनाव अभी तक तो कोई तय नहीं है भाई। अच्छा अभी कुछ तय नहीं कर रहे? अभी कुछ नहीं तय। अच्छा लेकिन यहाँ कई सारी पार्टियों के कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ रहे, तो किसका लगा क्षेत्र के हिसाब से रुझान बढ़ेगा थोड़ा सा? देखो हमारा काम है बाहर भीतर का, इस अच्छा। चीज़ से तो हमें इतना लगाव है नहीं। अच्छा। है बाकी जहाँ वोट देनी है हम तो देखो अपना अंदर खानी दे। तभी सोचोगे? हाँ तभी। अच्छा अच्छा ये बताओ गांव में कुछ विकास हुआ पिछले कई 5-10 सालों में? गाँव में कुछ ऐसा ये नहीं, तो थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, ऐसा कुछ ना है। वही है कि दिक्कत उस तरह से रास्ते सड़कें बिजली पानी गांव की जो जरूरतें हो उस तरह से काम हुआ हो आपके साथ? नहीं अभी तक तो हुआ नहीं। हमारा गांव में सड़क थी कि लोडी बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया। सड़क भी है ना, जब नेता वेता आवेंगे उन्हें खुद पता लग जाएगा कि ये सड़क मतलब टूटी हुई है नहीं टूटी हुई। और जैसे बरसात आवे पानी भरने की समस्या हो उन पर काम हुआ हो? नहीं उन पर तो काम हुआ, वैसे तो दिक्कत नहीं। गाँव की सड़क नहीं बनी? हाँ बस ये बात। क्या नाम भाई दोस्त? क्या कर करो है जी? क्या कर करो? काम करा करे जी अपना पीओपी का। अच्छा वोट 18 साल के हो गए जी? अच्छा वोट डाल लग रो? वोट अभी पहली वोट डाल लोगे? पहली वोट डाल ली थी मैंने आपके। अच्छा इस बार दूसरी डाल लोगे? इस बार दूसरी डाल लेंगे। तो किसे देख रहे? किसे जिता रहे? किसे जिता रहे? अच्छा जिताओगे किसे पर जो भी जीत जाएगा ठीक है। अच्छा हाँ जो अच्छा होगा। तो अच्छा ही तो पूछ रहे, क्या लगा थोड़ा सा क्या मन बनाया जनता ने? मन बस जनता जो भी बना लेगी अच्छा ही बना रहा जो भी कुछ भी हो रहा, क्योंकि मसला यो है ना कुछ हो रहा ना सड़कें बन रही ना कुछ हो रहा। तो गांव में हुआ कुछ विकास? कुछ नहीं है जी। अच्छा, सब ऐसे पहले जैसे? हाँ सब ऐसा ही है। बताओ क्या कर रहे हम अब? भाई नमस्कार, क्या हाल क्या नाम? बढ़िया अल्लाह का शुक्र है भाई। अच्छा क्या नाम अपना? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई आपकी सीट है, चुनाव आ रहे जी जी, तो देख ही रहे होंगे तैयारियां चल रही। बढ़िया बेहतरीन। क्या माहौल लग रहा कैसे? माहौल तो इंशाल्लाह साइकिल बैठ रहे सब। गठबंधन? हाँ इंडिया गठबंधन, साइकिल ही चलेगी धाय नाय। और भी तो प्रत्याशी है? अल्लाह की मर्जी, अपनी मर्जी लेके बैठेगा जो बैठेंगे। हमें तो उम्मीद है कि साइकिल जीतेगी यहाँ से भाई। अच्छा कादिर राणा कामयाब होगा यहाँ से, साइकिल के साथ जुगाड़ पिटोरा हमारा। हम तो पहले से पार्टी के पूरे जिम्मेदारी से और अब भी उसे देंगे, आगे अपना नसीब इसे कर लेगा बस, और तो कुछ नहीं। गांव में किस तरह की विकास है? गांव में किस तरह? बताओ मैं तो मीरापुर का बता रहा भाई, अपने मीरापुर के। अच्छा मीरापुर? हाँ बैला मुस्तरक जो मस्जिद के पास। हमारे तो पूरी जब के साइकिल चल रही, आगे जो जाना है उसकी मर्जी भाई, और पूरी हमदर्दी कर रहे हैं। गठबंधन जिताओ इंशाल्लाह। चलो ठीक ठीक आ जाओ भाई। नमस्कार है जी, क्या नाम जी अपना? कोई नहीं आपसे भी कर ले। क्या करो करो ये बताओ? अगर 9 लाख होते तो हम नहीं नहीं काम धंधा कुछ तो करते ही नहीं, मगर हम 9 लाख होते तो हम कुछ पर्चा नहीं, नहीं चलो ऐसे ही बातचीत कर ले। क्या जानू है जी? अच्छा ज्ञानू भाई क्या करो? पर्चा ना भरते फिर हम अपना खेती बाड़ी का काम है, खेती किसानी करते रहो जी। अच्छा लगाया कुछ लाभ हुआ सरकार में इसमें खेती किसानी में? हाँ बस सब ठीक ही ठीक है। तो क्या गन्ना बोग रहे हो? क्या करो? गन्ना अच्छा। गन्ना गेहूँ मुंजी। तो गन्ने में कुछ फायदा दिख रहा? हाँ बस ठीक है अपना चलता रहेगा। सरकार ने गन्ने पे कुछ भाव बढ़ाया? सरकार क्या हमारा हाथ, सड़क बहुत गंदी हो रही है, इन्हें कितनों का हाथ पैर टूट लिए और इस सड़क नहीं बन पा रही। गांव की जो आने की सड़क है जी जी नहर तक, सारी सड़क गंदी हो रही बहुत, इसमें हाथ पैर टूट लिए लोगों के, गति किसी गाड़ी पलट जा गया कुछ हो जा आज तक नहीं बनी। क्या लग रहा रुझान क्या देख रहे? बस गठबंधन का। कौन से गठबंधन का? साइकिल वाले का फूल वाले का? साइकिल साइकिल वाले का। हम लोग मीरापुर विधानसभा सीट पर थे जहाँ पर हमने यहाँ पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की कि क्या लोगों का रुझान है। ये चाय की टपरी थी, यहाँ सभी तरह के लोग थे, लोगों का अलग अलग लोगों की राय है इस चुनाव को लेकर। जुड़े रहे आप सीसीए से, उत्तर प्रदेश से आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।